नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दी करंट अफेयर शो में। और मैं हूं आनंद कुमार। और आज के दी करंट अफेयर शो में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं हमारे देश में करोड़ों युवा सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, और इन युवाओं के लिए यूनियन कैबिनेट की तरफ से एक बहुत ही अहम फैसला लिया गया है। तो आज के दी करंट अफेयर शो में हम एनालिसिस करेंगे कि इस फैसले के मायने क्या हैं और किस प्रकार से इन युवाओं पर प्रभाव पड़ने वाला है। तो चलिए आज के दी करंट अफेयर शो की शुरुआत करते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि यूनियन कैबिनेट की तरफ से लिए गए इस फैसले में युवाओं के लिए कौन सा ऐतिहासिक फैसला है। तो यूनियन कैबिनेट की तरफ से लिए गए फैसले के अनुसार हमारे देश में एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया जाएगा। इस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का काम होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करवाना। ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होगा, देखिए एग्जांपल की सहायता समझाता हूँ। हमारे देश में अभी 20 ऐसी एजेंसियाँ हैं जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करवाती हैं, और इन प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे देश के करोड़ों युवा जो हैं वो शामिल होते हैं। किस लिए? सरकारी नौकरी की चाह में। और बहुत सारे ऐसे युवा होते हैं जो अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी एक साथ करते रहते हैं, जैसे एग्जांपल एसएससी का भी कर रहे हैं, बैंकिंग का भी कर रहे हैं, रेलवे का भी कर रहे हैं। तो इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे देश में एक एजेंसी का गठन किया जाएगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। और इस एजेंसी का काम होगा सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना। उस एग्ज़ाम का नाम होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और यह कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट किन किन लोगों के लिए होगा? जो नॉन टेक्निकल हैं और ग्रुप बी और ग्रुप सी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का अनाउंसमेंट इसी साल के बजट में किया गया था, यानी कि 1 फरवरी 2020 को, और यूनियन कैबिनेट की तरफ से जो अप्रूवल मिला है ये ध्यान रखिएगा 19 अगस्त 2020 को। तो अब यहाँ तो एक बात तो क्लियर हो गया कि एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया जाएगा जो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। उसके बाद आपको अलग से एसएससी, अलग से आरआरबी या फिर अलग से आईबीपीएस की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक टेस्ट का आयोजन करवाया जाएगा, उसी के आधार पे आपका चयन किया जाएगा। लेकिन क्या ये पूरे प्रोसेस के लिए है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा वो टियर 1 एग्ज़ाम के लिए होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर एसएससी कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है तो ये एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए होगा। आरआरबी अगर कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है तो इसका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, और आईबीपीएस जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है इसका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा वो सेम होगा इस एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से, यानी कि इस रिक्रूटमेंट के माध्यम से जो एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाया जाएगा वो कॉमन होगा। और इसके बाद टियर 2, टियर 3, टियर 4 ये सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं ये एजेंसियाँ अपना अलग अलग तरीके से ही करवाएंगे, जैसे अभी वर्तमान समय में करवाती हैं। तो जो टियर 1 का एग्ज़ाम होता है, यानी कि आप कह सकते हो जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है, वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के तहत होगा। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। और फिलहाल जैसे मैंने शुरू में बताया कि वर्तमान समय में अभी 20 ऐसी एजेंसियाँ हैं जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी करवा रही हैं, लेकिन अभी नेशनल रिक्रूटमेंट के तहत में जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ 3 एजेंसियों के लिए करवाया जाएगा। ये 3 एजेंसी होगा एसएससी, आरआरबी और बैंकिंग का जो एग्ज़ाम होता है इनके लिए ही अभी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, और जो 17 एजेंसी बच गए इनको आने वाले समय में शामिल किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम समझते हैं ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जामिनेशन होगा, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, वो अलग होगा। इसके अलावा हाई सेकेंडरी यानी कि 12th के लिए जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा वो अलग होगा। और इसके अलावा मैट्रिक्यूलेट के लिए जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, मैट्रिक्यूलेट का मतलब 10th पास के लिए जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम होगा वो अलग होगा। तो इस प्रकार से त्रिस्तरीय एग्जामिनेशन भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के तहत ही होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर आगे समझिए, अभी तक जो भी एजेंसियाँ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं, कुछ एजेंसी जो हो गई ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जैसे बैंकिंग का एग्जामिनेशन अब लगभग जो है वो ऑनलाइन ही होता है, एसएससी का भी कुछ एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है, कुछ ऑफलाइन भी होता है, अरबी का भी कुछ ऑनलाइन और कुछ ऑनलाइन होता है, लेकिन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है पूरी तरह से एग्जामिनेशन को ऑनलाइन कंडक्ट करवाने जा रही है। ठीक है, अब जब ये ऑनलाइन कंडक्ट होगा तो जो रिज़ल्ट होगा वो आपको इमीडिएटली अवेलेबल हो जाएगा।
कैंडिडेट को भी तुरंत अवेलेबल हो जाएगा और जिस एजेंसी के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हो उस एजेंसी को भी तुरंत के तुरंत ही रिजल्ट अवेलेबल हो जाएगा। खास बात इसकी ये होगी। और अभी जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें दो लैंग्वेज होता है, एक हिंदी होता है एक इंग्लिश होता है, या तो फिर अगर साउथ में हो गया तो एक साउथ का लैंग्वेज और एक इंग्लिश का लैंग्वेज। लेकिन अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा वो 12 लैंग्वेज में आयोजित किया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बात आती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है उसमें कहीं ना कहीं ग्रामीण छात्र जो हैं अपने आप को पीछे समझते हैं। तो इसके लिए भी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की तरफ से यहाँ पर एक समाधान खोजा गया है। कम से कम देश में जब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करवाया जाएगा तो कम से कम 1000 सेंटर्स बनाए जाएंगे और यहाँ पर ये ध्यान रखा जाएगा कि हर ज़िले में कम से कम एक सेंटर तो आयोजित किया ही जाए। यहाँ पर खासकर जब मैं पिछड़े जिलों की बात कर रहा था, खासकर मैं जब गरीब जिलों की बात कर रहा था, तो जो नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्स हैं 117, इन डिस्ट्रिक्स में जो हैं सेंटर्स होंगे ही होंगे। जब भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जाएगा तो इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो है वो डिस्ट्रिक्ट में सेंटर होंगे और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में तो सेंटर बिल्कुल होंगे। इस बात पे भी फोकस किया गया है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत। जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित किया जाएगा वो इस प्रकार से होगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत यानी कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के तहत साल में 2 बार परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, इस बात को भी यहाँ आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। अब यहाँ पर इसके कुछ फ़ायदे समझ लीजिए कि आखिर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सबके लिए जो समान परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जैसे कि अगर कोई RRB की तैयारी कर रहा है, जैसे कोई SSC की तैयारी कर रहा है और जैसे कोई IBPS यानी कि बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, तो इसका Tier 1 का जो एग्ज़ाम है वो समान होगा सबके लिए। तो इसके फ़ायदे किस प्रकार से होंगे, हमारे देश में इन 3 एजेंसियों की तरफ से जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है इसमें हर साल लगभग 2.5 से 3 करोड़ युवा जो हैं वो एग्ज़ाम देते हैं। तो इसके फ़ायदे क्या हैं, एक तो यहाँ पर गरीबों के लिए यह फैसला जो है वो वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि दूर दरांचल एरियों में जो छात्र होते हैं अभी क्या है उनको कैपिटल में जाना पड़ता है और अगर एक से अधिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कैसे सामना करना पड़ता है, जब अलग अलग टेस्ट होते हैं, जैसे RRB का वो तैयारी कर रहे हैं तो RRB के लिए फ़ीस भरते हैं, SSC का तैयारी कर रहे हैं तो SSC का फ़ीस भरते हैं, बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं तो बैंकिंग का फ़ीस भरते हैं। तो इस तरह से उनको बहुत सारे यहाँ पर बेनिफिट भी मिलने वाले हैं। और एक फ़ायदा यहाँ पर यह मिल जाएगा कि इसकी जो वैलिडिटी है वो 3 सालों के लिए होगी, यानी कि जब आपने एक बार कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के तहत में एग्ज़ाम क्रैक कर लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में, तो इसकी जो वैलिडिटी होगी 3 साल तक के लिए होगी। एग्ज़ाम्पल की मदद से समझा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने SSC का इस साल एग्ज़ाम दिया टीयर वन आपका क्लियर हो गया, तो अगले 3 सालों तक आपको Tier 1 का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट Tier 1 का एग्ज़ाम दे सकते हो। एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये हो गया। इसके बाद वुमेन कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, खासकर दूर दराज एरिया में जो वुमेन रहती हैं उनको आने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, घर से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो अगर एक ही टेस्ट हो तो यहाँ पर वुमेन को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करवाने जा रही है आने वाले समय में, इससे करोड़ों युवाओं को फ़ायदा मिलेगा और अगर एक ही एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है तो इससे सरकार के खर्चे भी कम होंगे। तो ये था हमारा आज का दी करेंट अफेयर्स। शो एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जाएगा ये सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उनके लिए है, राज्य सरकारें द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उनके लिए बिल्कुल नहीं है। तो ये संदेह अपने मन में मत रखिएगा। तो आज के दी करंट अफेयर्स शो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।